नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इज अफॉर्म मेटल डिस्क ऑफ रेडियस आर इज टेकन एंड आउट ऑफ इट आ डिस्क ऑफ डायामीटर नोटिस करना है पे डायमीटर है आर बाय टू इज कट ऑफ यानी कि आपका रेडियस आर बाय फोर होगा इज कट ऑफ फ्रॉम द एंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पार्ट विल बी हमारे ऑप्शन हैं आर बाय टेन आर बाय फाइव आर बाय फिफ्टीन या आर बाय ट्वेंटी फ्रॉम द सेंटर न वॉट इज हैपनिंग इन दिस केस इज कि हमने एक डिस्क ली डिस्क जिसका रेडियस आर उस डिस्क से आपने यहाँ पे यहाँ पे एक छोटी सी डिस्क कट की कैविटी और इसको उठा के हमने फेंक दिया है इसका रेडियस जो है ये रेडियस आपका आर है और यहाँ से यहाँ अगर देखेंगे या इसका रेडियस जो है वो आपका आर बाय फोर है ठीक है बिकॉज डायमीटर आर बाय टू है तो रेडियस इसका आर बाय फोर हुआ है ना इसको हम ऐसा मानते हैं कि दिस विल बी इक्वल टू यह आपका सिस्टम होएगा कि ये आपकी एक डिस्क इसको हम टोटल कंप्लीट वो मानेंगे कि आपकी मान लो इसकी मास डेंसिटी सिग्मा थी तो हम ये मान लेते हैं कि आपकी यहाँ पे सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा है तो ये पहले तो कंप्लीट डिस्क है प्लस उसके बाद हम लेंगे एक डिस्क यहाँ पे ऐसे करके ये डिस्क जिसका रेडियस आपका आर बाय फोर है और अगर यहाँ सेंटर से देखेंगे तो इसकी डिस्टेंस हो जाएगा थ्री आर बाय फोर और इसकी डेंसिटी माइनस सिग्मा है हाँ right? इन दोनों को जब हम कंबाइन करके इनका सेंटर मास निकालेंगे इसको हम ओरिजिन पर मान लेंगे जीरो कॉमा जीरो पर तो आपका जो सेंटर मास आएगा वही एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आपका जो रिजल्ट आएगा इस कैलकुलेशन से वही एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को भी सेटिस्फाई करता है सो दैट्स ऑफ वी विल गो विद दिस ठीक है तो ये आपका नेगेटिव मास के डिस्क है ये पॉजिटिव मास की डिस्क है तो इस केस में अगर हम मास इनका एम और एम लिखना चाहें तो एम वन जो मास होएगा आपका बड़े वाली डिस्क का दैट विल बी इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया पाई आर स्क्वायर इसका अगर मास लिखेंगे एम टू सो दैट विल बी इक्वल टू माइनस सिग्मा बिकॉज की डेंसिटी नेगेटिव मानी हमने मल्टीप्लाइड बाय पाए आर बाय फोर का स्क्वायर जो कि आर बाय सिक्सटीन बन जाएगा राइट right? तो यहाँ पे अच्छा ड्यू टू सिमेट्री आपका वाई एक्सिस में सेंटर मास मूव नहीं करेगा वो आपका सेम ही रहेगा एक्स एक्सिस में सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा इस तरफ मूव करेगा उसकी वैल्यू हमें बतानी है क्या होगा तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक्स यू एम विल भी इक्वल टू एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू ना यहाँ एम वन एम टू की वैल्यू रख देंगे सो दिस विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय लोकेशन इसकी जीरो एक्स वन ज़ीरो प्लस एम टू यानी कि माइनस सिग्मा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 ये आ गया आपका एम टू मल्टीप्लायड बाई एम टू के सेंटर मास की लोकेशन थ्री आर बाय फोर डिवाइडेड बाय एम वन एम टू सो ये आपका हो जाएगा सिग्मा पाई आर स्क्वायर माइनस सिगमा पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 अब इसको बस केयरफुली हमने सॉल्व करना है यहाँ पर कोई मिस्टेक ना हो जाए हाँ वी यू मे वॉन्ट टू मेक श्योर ऑफ देट तो ये आपका जो न्यूमिनेटर है ये बनेगा आपका सिगमा uh, अच्छा इसकी लोकेशन माइनस आएगी बिकॉज uh, ये इस तरफ शिफ्ट हुआ है तो ये आपका एक्स uh, टू जो है ये माइनस में रहेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सो दिस विल भी इक्वल टू सिगमा पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ये आपका बना थ्री आर डिवाइडेड बाय सिक्सटीन इंटू फोर ये न्यूमिनेटर हो गया डिनोमिनेटर बनेगा आपका इसमें से सिग्मा पाई आर स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं ये बनेगा वन माइनस ये आएगा आपका पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया वन बाय सिक्सटीन राइट सिग्मा पाई आर स्क्वायर हम कैंसिल कर सकते हैं सो ये टर्म आपकी बन जाएगी थ्री आर डिवाइडेड बाय सिक्सटीन मल्टीप्लाइड बाय फोर मल्टीप्लाइड बाय ये बनेगा आपका सिक्सटीन माइनस वन फिफ्टीन सो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर है फिफ्टीन और 16 ऊपर चला जाएगा नौ no, 16 विल गेट कैंसिल यहाँ से आपका थ्री uh, भी कैंसिल हो जाएगा सो so, एक्स की जो आपकी वैल्यू आ रही है दैट विल थ्री कैंसिल हो गया 5 फाइव हो जाए ट्वेंटी और सिक्सटीन कैंसिल हो गया विल बी इक्वल टू आर बाय ट्वेंटी तो आपका सेंटर वहाँ जो शिफ्ट करेगा दैट विल बी आर बाय ट्वेंटी फ्रॉम द सेंटर आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ में आया